हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चिकन शॉट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, और वो भी एकदम KFC स्टाइल। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, इसे हम मैरिनेशन में डालेंगे, और ये रेसिपी आप जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम। इसको अच्छे से धो लीजिएगा। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 लेमन जूस। यहाँ पे मैंने हल्दी 1/4 टीस्पून लिया है। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। एक अंडा डालना है, और अंडे को डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे शॉट बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा, और इससे कोटिंग अच्छी होती है, कोटिंग में फॉर्म आती है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस जो भी। हाफ़ टी स्पून रेड चिली सॉस। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हम विनेगर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए इसे हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट होना चाहिए, जिससे इसकी कोटिंग और अच्छे से होती है और चिकन गल भी जाता है। अब चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखी है शॉट को फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने एक बोल में कोल्ड वाटर लिया है और एक बोल में मैदा लिया है। अब हम एक एक करके सारे पीसेस को मैदे में कोटिंग करेंगे इसकी, और कोल्ड वाटर जो हमने लिया है उसमें 6 से 7 सेकंड के लिए डिप करने छोड़ देंगे डिप करके। इसी तरह मैं एक एक सारे पीसेस को कोटिंग करूँगी और कोल्ड वाटर में डिप कर दूँगी। सारे पीसेस को कोटिंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, इससे शॉट बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी होगा। जितनी अच्छी कोटिंग होगी, एक एक करके सारी पीसेस को, ये देखिए बहुत ही अच्छे से उस पर लेयर हो जानी चाहिए कोट। एक साथ 2-3 भी कर सकते हैं। छः से सात सेकंड के लिए इसको हमने छोड़ दिया है इसमें। अब हम इसको पानी में से वापस निकालेंगे और मैदे में वापस से कोट करके इसको अलग निकाल करके रखेंगे। अब एक एक करके सारी पीसेस हम मैदे में वापस से कोट करेंगे अच्छे से दबा दबा कर। ये देखिए एकदम लेयर इस पर अच्छे से हो जानी चाहिए मैदे की। इसी तरह सारे पीसेस को हम मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसी तरह जो बाकी के चिकन बचे हुए हैं उसको भी हम इसी प्रोसेस के साथ सबको लेयर कर लेंगे, कोट सब पे कोट कर लेंगे मैदे की। देखिए पूरी अच्छी तरह से लेयर हो जानी चाहिए इस पे। अब ये देखिए मैंने इसी प्रोसेस से सारे चिकन को अच्छे से मैदे में कोट करके रख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब यहाँ मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हीट कर लिया है और फिर फ्लेम को स्लो कर दिया है। हमें इसको स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट तक कम से कम हम इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे कि चिकन जो है गल जाए अच्छे से। तो एक एक करके सारी पीसेस हम इसमें डालेंगे जो हमने कोट करके रखा हुआ है। और इसको धीरे धीरे करके इसके साइड्स को हम चेंज करेंगे। फिर देखिए इसमें इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो कलर जब थोड़ा चेंज हो जाए तो हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है, जिससे कि जो हमने कोटिंग की हुई है वो अच्छे से क्रिस्पी हो सके।
जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए शॉट बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और इस पर काले नमक से स्प्रिंकल कर देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।